बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी कोरोना पॉजिटिव, एम्स पटना में भर्ती। सुशील मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, सभी पैरामीटर पूरी तरह से सामान्य है, हल्के लक्षण है, बेहतर निगरानी के लिए एम्स पटना में भर्ती हो गया हूं। चैनपुर थाना क्षेत्र के मटरोना गांव में टीकाकरण से 2 माह के बच्चे की मौत, गुस्साए परिजनों ने की जांच की मांग। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि इसका सत्य सत्य कार्रवाई हो, जांच किया जाए, जांच किया जाए और जो लोग मतलब गलती मिस्टेक किए हैं उसको सजा मिले। बिहार के गुरुआ विधानसभा में राजद समर्थक यादव समाज ने एनडीए प्रत्याशी पर किया हमला, प्रचार वाहन को किया क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे एनडीए प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी सभा का दौर जारी, गया पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। खगड़िया जिला के पिरनगरा गांव निवासी की 14 वर्षीय पुत्री की मौत, मृतका के परिजन ने सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सहित प्रबंधक पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को किया संबोधित, विपक्ष पर जमकर बोला हमला, साथ में दिखे रविशंकर प्रसाद। बिहार के सहरसा में निदान ट्रॉमा सेंटर का हुआ शुभारंभ, अब मरीजों को मिलेगी 24 घंटे सेवा। सहरसा जिला के सुलंदाबाद पंचायत में रंगदारी नहीं देने पर मुंशी के साथ मारपीट, हाथ काटकर मुंशी को किया घायल। विवेक गुप्ता, अनिल गुप्ता, सर्वेश्वर साहब, उसका बेटा गौतम कुमार और अमन कुमार, सब मिलकर पहले से आप था वहाँ पे। जैसे हम पहुँचे हम पूरों का सवारी करके कमा लिया है, जो है ना कुछ रंगाली रंगाली मारो।